तो अभी बज रहे हैं जी सुबह 5 और आज है रक्षाबंधन का दिन। हैप्पी रक्षाबंधन डे। कुछ ही देर में जो है गोलू और मोलू आने वाले हैं, उसके बाद जिया उसको राखी बांधेगी और हमको भी जाना है, अपनी एक सिस्टर है कटिहार में, उनके यहाँ जा करके राखी बंधवाना है। और इस बार जो राखी बांधने का मुहूर्त है, जैसा कि हम लोग को बताया गया है, वह 7:30 बजे तक ही है। तो दो जगह जो है राखी बांधने का कार्यक्रम होना है। तो फिर हम सोच रहे हैं कि जल्दी से मोलू और गोलू आ जाए और हम लोग जो है वहाँ भी जा सके, क्योंकि वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि जितनी जल्दी यहाँ से जा सके उतना अच्छा रहे। फिलहाल बाबू यहाँ पर सोया हुआ है दादा दादी के रूम में और इसका भी राखी आया हुआ है इसकी बहन की तरफ से, तो इसका जो राखी बनवा लेंगे कंचन दीदी से। हाँ, एक बहन यहाँ है। अच्छा, वहाँ निशु है ना, चाचा की बेटी भेजी है यहाँ, फुआ की बेटी। बात बड़ा हम लोग जी, हमारा नहाना हो गया और जिया भी तैयार हो गई है। जब हम और जिया तैयार हो गए तो हमारा बाबू भी क्यों पीछे रहेगा। तो हमारे बाबू को जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे बाबू को तैयार हो गया। पहले बोल दो रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है, जितनी भी मेरी सिस्टर है सबको हैप्पी रक्षाबंधन। सबको बोल और एकदम खुश रक्षाबंधन के दिन है ना, रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन सबको बोल दो, राधे राधे बोल दो। A few moments later. तो गोलू मोलू तो आ गए हैं जी, तो सीधा चलते हैं नीचे और गेट खोलते हैं। बहुत लेट कर दिया तुम लोग। अरे कोई बात नहीं मामा, बोलो मामा इतने लेट क्यों आए मामा, बोलो पूछा करो मामा से। तो 15 दिन बाद देखने इसको बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ये। कपड़ा पैंट पहन लिया, कपड़ा की वजह से लग रहा होगा थोड़ा। क्या आपका जवाब देगा ये, 15 दिन में बड़ा हो गया और 15 दिन बाद देखना तो और बड़ा। उसे इस समय ग्रोथ थोड़ा जल्दी होता है। खुश बहुत आ रही है। बोलो इसके लिए 70 लाख चाहिए। अच्छा समझा, इसके लिए 70 लाख चाहिए, दोगे? अच्छा ठीक है, तब फिर चलेगा। गोलू मोलू आ चुका है। बिल्कुल जी, और यहाँ पर टीका भी दोनों को लग चुका है। टीका की बोलेंगे या तिलक बोलेंगे, तिलक लग चुका है। हाँ। और इसका राखी देख सकते हैं, कस्टमाइज राखी है। यह है मोलू के लिए, इसमें मोलू का फोटो देख सकते हैं। गोलू का भी दिखाना है। तो गोलू है और ये उत्पल है, ये उत्पल भी मेरा भाई ही है, इस पीछे आ गया है। भाई है, उब्रो है, मैंने वो भाई लिखा हुआ है। अच्छा, उब्रो तुम देसी है वो अंग्रेजी है। चिपका दीजिए उसको, घर खुल जाएगा तो चिपका हुआ रहेगा उधर। ये मिठाई हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा कम मीठा रहता है लेकिन सही लगता है। इसको बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, ये तुमको खिला देंगे। बॉन्ड मैंने किए हैं, बोला हमने बॉन्ड है। खिला तो मोल उसको खिला। ब्रो लव बोल रहा है गोलू। हाँ। अभी इसी से तुम रखो। हाँ। बाद में जब कमाएंगे तो तब देंगे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कुछ भी दिया हमें लिए बहुत बड़ी बात, और हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है उससे बड़ी बात क्या है। सही बात, ऐसे कुछ भी नहीं है तोहफा होगा, जब फोन करते हैं एक बार दौड़ के आता है। भाई से यही उम्मीद किया जाता है, गिफ्ट का उम्मीद नहीं किया जाता है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो कमीशन बनता है। बचपन में लड़ाई करके लेते थे, देगा कैसे, नहीं देना पड़ेगा। आए हाय हाय हाय। अच्छा। A few moments later. गोलू और मोलू तो चले गए जी राखी बंधवा कर, अब बारी है हमारे राखी बंधवाने की। जिया नीचे जा चुकी है और नीचे है बाबू, तो चलते हैं। तो जिया और बाबू दोनों तैयार है जी, निकलते हैं अब यहाँ से। तुम्हारा मोबाइल मेरे पॉकेट में ही है। 20 minutes later. तो पहुँच गए जी अपनी सिस्टर के यहाँ और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो बेटा है वो अपनी बहन की गोद में है अभी। बड़ी बहन भी इसकी और दीदी अंदर है, बाकी जिया यहाँ पर बैठी हुई है और कुछ ही देर में जो है राखी बांधने का यहाँ पर शुरू होगा रस्म। छोटा सा भाई हाँ। बाद में जब बड़ा होगा तब देखेगा। मेरी बड़ी सिस्टर मुझे जब सोए थे तब राखी बांधती थी। मतलब जब मुझे होश भी नहीं था कि रक्षाबंधन क्या होता। हाँ। और किशन भैया की बेटी भेजी थी तो वही निशु बांधेगी। अच्छा, उसको बता दो भी मेरी घर से भी सोने को बांधेगा। ठीक है भाई, हम बोले अरे इतना सारा राखी तो भेजी हूँ।
अभी नींद में है तो राखी बांध लेगी वरना तवाही बचाएगा उसके बाद इसको खिला उसके बाद खिला नहीं तो तवाही मचाएगा। भगवान मेरे भाई को ऐसे ही बरकत दे, देख के मेरा मन कितना खुश हो जाता है। भाई वर्ड इतना प्यारा है, बोले तो दुनिया का सबसे प्यारा वर्ड है। हम लोग भी कटिहार में सोचते रहते थे बचपन में कि कोई नहीं है बहन राखी बांधने के लिए। हम लोग कटिहार में आने के बाद काफी दिन बाद पता चला, बहुत दिनों के बाद। वो कुआ की कलीग थी ना आरती, अच्छा उनके जरिए पता चला। आरती ही नाम था ना, आरती आंटी। कुआ नहीं इसका उनका बेटा तो शायद नेशन तो वो क्या हुआ ना कि हम एक बार स्कूल से निकल रहे थे तो उधर से वो भी लौट रहे थे तो उनके पास वो चर्चा की थी। अब तो मुझसे प्यारी तुम हो। चलिए इस बार जो है आपका लकी को भी शादी के बाद हम पहली बार जो है मिशन भेज रहे थे इसको। अरे अरे ठीक है भाई, ये नहीं थे इसमें तो बारी है जी क्रियांश की। कितना महीना हुआ जीएस का? अभी ढाई महीना हुआ है ना, तो तीसरे महीने में यह अपना पहला राखी बंधवा रहा है। ये तो बड़ा होगा, अपना वीडियो देखेगा ये। मेरा राखी एकदम इसके ड्रेस से भी मैच कर रहा है। भी अच्छा है कि ये सोया हुआ है। ये तो भी तुमको राखी बांध देता है। अभी कितना 6 मंथ ओल्ड है? नहीं अभी 3 मंथ हुआ है। 3 मंथ में कंप्लीट है, 16 में हो जाएगा 3 मंथ। हां 3 मंथ में भाई, तो लास्ट टाइम पापा आए तो उसी वक्त तुम गए, पापा यहां से चले गए फिर। बस टच करना, कुछ समय बाद खुद उठा लेगा थाली से। प्रियांश की तरफ से निशु। थैंक यू। सबसे छोटा भाई अभी 3 मंथ्स।